ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे 9-2-3-1-1 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमने शुरू किया था मस्टर्ड के पास्ट। तो अब हम करेंगे मस्टर्ड सॉफ्ट लाइफ, सरसों की आराम आंखी। जैसे कि नाम से पता है कि ये किसका पेस्ट है, हमने किसके पेस्ट शुरू किया है, मस्टर्ड के। तो पहले हमने एक एफर्ट किया था मस्टर्ड एफर्ट, अब ये सेकेंड है सरसों की आराम आंखी, जिसका ऑर्डर है हाइमोप्टेरा और फैमिली है टेंथ्रेडिनाइडी। और इसको इसके जो जीनस और स्पीशीज की बात करें तो जीनस इसका है एथेलिया और इसकी स्पीशीज है प्रॉक्सीमा। तो इस प्रकार से इसका जो क्लासिफिकेशन है वो है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट की। इसका जो होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट्स हैं वो कौन कौन के हैं, कौन कौन से हैं। मेनली जब हमें पता ही है कि इसके नाम से क्लियर है कि मस्टर्ड की जब हम बात करते हैं, मस्टर्ड सॉफ्ट लाइफ, इट मीन्स इसका जो होस्ट प्लांट है मेनली क्या रहेगा, मस्टर्ड या सरसों। तो होस्ट प्लांट की जब बात करते हैं तो हमारे पास इसके होस्ट प्लांट हैं मस्टर्ड, मूली, गाजर, फूल गोभी, तोरिया, तारामीरा आदि जो सरसों फूल के प्लांट्स हैं वो इसके होस्ट प्लांट्स रहते हैं। और नेक्स्ट जब हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन की या वितरण की, तो जब वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो इसमें इंडिया के अलावा इंडोनेशिया, फार्मोसा, बर्मा में ये काफ़ी अधिकता से पाया जाता है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जहाँ सरसों और मूली की पैदावार की जाती है उन प्रदेशों में यह पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो डैमेज है या नेचर ऑफ डैमेज कैसा रहता है। इस इंसेक्ट की जो सुंडी अवस्था है, जो इसका ग्रब है या इसका जो लार्वा होता है, वो फसलों को हानि पहुंचाता है। और जो इसका प्रोड है या जो इसका एडल्ट है, उसके द्वारा कोई हानि नहीं होती है। और सुंडी में क्या होते हैं, काटने और चबाने वाले माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। ये क्या करती है, कोमल पत्तियों को खाते हैं। कौन, जो इसकी गर्भ अवस्था है या जो इसकी सुंडी अवस्था है, वो कोमल पत्तियों को खाती है और उसमें छेद कर देती है, कोमल पत्तियों को उठाकर छेद कर देती है, जिससे पत्तियां सूख जाती हैं और पौधों की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। जब पत्तियां सूख जाएंगी तो पौधे कैसे ग्रोथ करेंगे ना, तो पौधों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और इससे इसका जो इस कीट का जो प्रकोप हो जाता है तो उसमें कब होता है, जब पौधे छोटी अवस्था में होते हैं, स्टार्टिंग स्टेज के जब प्लांट्स होते हैं, तो उसमें इस कीट का प्रकोप हो जाता है। और इसकी जब संख्या अधिक होती है तब ऐसी कंडीशन होती है कि पूरी की पूरी फसल खत्म हो जाती है या नष्ट हो जाती है। और इसका जो प्रकोप है वो अक्टूबर से लेके मार्च तक रहता है। और इसकी जो ये सुंडियां हैं या जो ग्रब है, वो मूली के पत्तों को अधिक खाना पसंद करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की, कि इस फ्लाई का लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो लाइफ साइकिल जब बात करते हैं तो इसमें चार अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक अंडा, दूसरी इसकी ग्रब या सुंडी, तीसरा इसका प्यूपा और फोर्थ इसकी फ्रूट। फर्स्ट बात करते हैं हम इसके एग की। एग जो है वो कैसा होता है, एग क्या होता है, ओविपोजिटर से पत्ती को चीकर तंतुओं में रखती है फीमेल इंसेक्ट, कहाँ देती है, जो उसके फिलामेंट्स होते हैं लीफ के, उसको काट कर उसके अंदर वहाँ पे एग्स लेइंग करती है। और ये प्रारंभिक कैसे होते हैं, व्हाइटिश कलर के या दूधिया रंग के, और बाद में ये कैसे हो जाते हैं, काले रंग के हो जाते हैं। और ये एक लाइन्स में रखे जाते हैं, एग्स को लाइन में रखा जाता है। और एक जो एग है लगभग 2 mm लंबा होता है और ये लगभग 30-61 एग अपनी पूरी लाइफ साइकिल में, लाइफ टाइम में देती है। और इनका जो हैचिंग टाइम है वो
वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग 4 से लेकर 27 दिन तक होता है, मीन्स कि 4 से 27 दिन तक जो एग है वो पक जाते हैं और इसमें से फूट कर दूसरी जो स्टेज है ग्रब या सुंडी निकल जाती है। अब सेकंड स्टेज को देखते हैं कि सेकंड स्टेज में क्या होता है। ये जो सुंडी जो निकलती है वो लगभग 2 mm लंबी होती है और ग्रीन ग्रे कलर की होती है। अब इसका जो सुंडी का जो सिर होता है, आप डायग्राम में देख रहे हो, सुंडी का जो सिर है ये ब्लैक कलर का होता है, इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गए ना। और जब ये पूरी रूप से विकसित हो जाती है तो इसका जो साइज है वो 15 to 20 mm हो जाता है। इसका जो आकार है वो कैसा है, ये बेलनाकार आकार की होती है और इसके वक्ष में 3 जोड़े टांगे और उदर में 7 जोड़े टांगे होती है। और इसकी जो बॉडी है इसके ऊपर ये देखिए धारियां पाई जाती है, ना सारी ये धारियां लाइंस पाई जाती है। तो ये जो इसकी अवस्था है ये कौन सी है हमारे पास। अब आप फर्स्ट देखो एग कहाँ दे रखे हैं, एग को आपने दिखाया ना इन लीफ की जो तंतु है उसको चीर के अंदर पत्तियों के अंदर एक ले की जा गई है। और सेकेंड जो स्टेज है वो इसकी ग्रब है, एग लेइंग की जाती है इनके बीच और जो ग्रब है वो नेचुरल क्या होता है पत्तियों को खाते हैं ना। तो ये देखिए किस प्रकार से है, इसके जो माउथ पार्ट्स है वो भी काटने और चबाने वाले होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो स्टेज है वो हमारे पास है इसका कृमि कोष। और कृमि कोष में बदलने से पहले जो सुंडी अवस्था है, सुंडी अवस्था कितना टाइम में होती है, 12 से लेकर 18 दिन में ये पूरी तरह से विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है कृमि कोष या जिसको प्यूपा अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है इसका कृमि कोष या जिसको हम प्यूपा कहते हैं। और ये जो पूर्ण विकसित जो सुंडी होती है वो भूमि के अंदर ही 9 to 10 सेंटीमीटर नीचे जाकर कोकून बनाती है और कोशावस्था में बदल जाती है। भूमि के अंदर अंदर जाके क्या करते हैं, कोकून बनाते हैं। कोकून क्या होता है, इसके अपने बाहर एक आवरण बनाना, प्रोटेक्टिव आवरण होता है जो सख्त होता है। तो अगर आपने किसी ने देखो कहीं आपके घर में या आसपास कहीं कॉकरोच हो तो आपने आप गौर से देखना कि जहाँ कॉकरोच होते हैं वहां पे आपको एक छोटा सा बेलनाकार आकृति में डार्क मरून या जिसको कॉक कलर कहते हैं, कॉक कलर भी एक आपको कोकून दिखाई देते हैं छोटे छोटे। अगर आप उनको थोड़ा सा भी इधर उधर फेंकते हो या हिलाते हो उसमें से आवाज भी आती है जैसे मतलब कुछ बजने जैसी, तो वो एक्चुअली कोकून होता है जो जिसके अंदर लार्वा अपने बाहर एक आवरण बना लेता है और उसके अंदर खुद ग्रोथ करता रहता है। तो ये आपको बहुत आराम से दिखाई देता है कि लाइव एग्जाम्पल है कोकून का, आप उसको बड़े आराम से देख सकते हो। तो उसमें क्या होता है, जमीन पर जो गिरी हुई पत्तियां होती हैं उसके बीच इस प्रकार की अवस्था पाई जाती है। जो कोकून होते हैं वो कहाँ मिलते हैं हमें, जो पत्तियां पत्तियां गिरी होती हैं जमीन पर उसके अंदर ये कोकून पाए जाते हैं। और कोकून 7 to 11 mm लंबा होता है और 4 से 6 mm चौड़ा होता है। और इसकी जो अवस्था है जो प्यूपेशन स्टेज है वो 10 to 12 days की होती है। और 10 to 12 days प्यूपेशन में रहने के बाद ये प्रोड में बदल जाते हैं और इस कोकून को तोड़कर इनसे प्रोड बाहर निकलते हैं। और यदि सर्दी अधिक हो तो ये प्यूपा अवस्था में ही कोशावस्था है जिसको कृमि कोष कहते हैं, इसमें ही शीत निष्क्रियता में रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके एडल्ट की या इसके प्रोड की। तो इसका जो प्रोड होता है, इसका जो एडल्ट होता है वो ऑरेंज कलर का या येलो कलर का होता है और उसकी बॉडी पर ब्लैक कलर की धारियां पाई जाती हैं। और ये जो प्रोड है वो कब निकलते हैं, सुबह जब सूर्य निकलता है उस समय ये अधिक एक्टिव रहते हैं। जब सूर्य के निकलने का टाइम होता है मॉर्निंग सेशन में तो जब उस टाइम ये बहुत अधिक एक्टिव रहते हैं। और इसकी जो फीमेल है वो पार्थोजिनेसिस के द्वारा एग देती है। और ऐसे जो एग होते हैं जो पार्थोजेनेसिस द्वारा दिए जाते हैं उसमें से निकलने वाले जो इंसेक्ट हैं वो मेल इंसेक्ट होते हैं, जबकि जो फीमेल इंसेक्ट है वो फर्टिलाइज्ड एग द्वारा निकलते हैं। दो तरह की मतलब इसकी जो जनरेशन है दो तरह से बनती है,
एक तो पार्थोजेनेसिस से जो एग दिए जाते हैं फीमेल के द्वारा, उसमें से ओनली मेल इंसेक्ट्स निकलते हैं, और अगर जो फर्टिलाइज्ड एग्स द्वारा जनरेशन बनती है नेक्स्ट, तो उसमें से फीमेल जो इंसेक्ट है वो भी निकलते हैं। तो देखिए इसका जो लाइफ साइकिल है वो पूरा टाइम में क्या होता है, 28 to 60 days में पूरा हो जाता है, और इसकी 5 जनरेशन में 1 साल में मिलती है। और इसमें जो मेटामॉर्फोसिस है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। देखिए एग से 4 to 27 days में हमारे पास क्या बन गई, लार्वा अवस्था है। ये हमारे पास है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, और सेकंड स्टेज से 12 से 18 days में हमारे पास ये थर्ड स्टेज, और फिर 10 to 12 days में हमारे पास ये इसका जो लास्ट स्टेज है जिसको प्रौढ़ या एडल्ट कहते हैं, फोर्थ स्टेज मिलती है। तो इस प्रकार इसका जो ये लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है। और गर्मियों में भी क्या होता है कि जो मई और जून में होता है, यह जो कीट है वो एस्टिवेशन शुरू करता है, मीन्स सुप्तावस्था, गर्मियों में एक स्थान पर ही वैसे ही पड़ा रहता है जिस स्थिति में होता है, और इसकी जो ग्रोथ है वो फिर सीजन चेंज होने के बाद, मौसम चेंज होने के बाद होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी प्रिकॉशन है जिसको हम बुआई से पहले यूज करें, या किस प्रकार से हम कुछ उपाय या कुछ सावधानियों से इसके प्रकोप को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये कि जब इसकी इसका जो हैबिट है वो है कि मॉर्निंग जब निकलते हैं ये, तो मॉर्निंग सूरज के साथ ये एक्टिव हो जाते हैं, तो सूरज निकलने के समय सुंडियों को इकट्ठा करके नष्ट कर सकते हैं। और यदि जो फसल है वो लाइन में बोई है तो दोनों कतारों के बीच में गुड़ाई कर देते हैं, जिससे इसकी छिपी हुई अवस्थाएं नष्ट हो जाती हैं। और यदि इनका कीट का प्रकोप हो गया हो तो मेलाथियन, थायोडाइन, कार्बाइल डस्ट आदि को यूज किया जाता है इन फसलों को प्रति हेक्टेयर की दर से, जिससे कि इस कीट को कंट्रोल कर सके। और क्यूनल फास और नुवान दोनों जो दवाई है उनमें से उचित मात्रा में मिलाकर हम इसको पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं, तब भी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस प्रकार जो ये ग्रब है या जो ये फ्लाई है इसकी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक हमारे पास ऑप्शन और भी होता है, हम इसके जो नेचुरल एनिमीज हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं इन सुंडियों के खत्म करने के लिए। तो इस प्रकार इस फ्लाई की लाइफ साइकिल कैसे चलते हैं हमने देखा। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इसी मस्टर्ड का नेक्स्ट टेस्ट करेंगे, पेंटेड बग ऑफ मस्टर्ड।